हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन RDBMS। तो यहाँ समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ RDBMS क्या है, साथ में जो भी RDBMS के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, इनको भी हम समझेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करना है। इसके पहले की चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और उसके पहले फॉरेन की, ये सब हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसका नाम था रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने देख लिया है तो यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। एन ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर और अ फीचर दैट इज यूज टू स्टोर, रिप्रेजेंट एंड रिट्राइव डेटा। कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट या तो एक स्ट्रक्चर है या फिर फीचर है जिसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट अ डेटा बेस इज अ कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क ऑन मल्टीपल सेट ऑफ डेटा रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि अगर असल में देखा जाए तो जो डेटा बेस होता है वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। यानी डेटा बेस के अंदर आप जब आगे क्रिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा बेस के अंदर हम टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट यही सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट ही करते हैं और इन्हीं के कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटा बेस। और यही सारे ऑब्जेक्ट्स मीन्स टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट जो मल्टीपल सेट ऑफ डेटा होता है डेटा बेस के अंदर उस पर वर्क करते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन डेटा बेस आर एज डिस्कस बिलो। तो अभी इनको हम समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज टेबल। टेबल को हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर है तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन बुक में जो लिखा है उसे एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें कि जब आप डेटा बेस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करते हैं वो होता है टेबल। टेबल ऑब्जेक्ट क्या है चलिए जान लेते हैं। एज मेंशन बिफोर अ टेबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी DBMS मीन्स की डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब है कि किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो होता है टेबल। अभी अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है कि DBMS के अंदर सबसे पहले हम टेबल को ही क्रिएट करते हैं। द डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन अ टेबल्स इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। मीन्स जो डेटा होता है वो टेबल के अंदर रो और कॉलम फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है। मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल्स में दिखाया था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल है तो टेबल में ये हो गए आपके कॉलम्स और इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा रो। तो टेबल के अंदर डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। अ कॉलम रिप्रेजेंट्स अ फील्ड और एन एट्रीब्यूट व्हाइल अ रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। तो जो कॉलम होता है उसको फील्ड बोलते हैं और जो रो होता है उसे रिकॉर्ड बोलते हैं। ये सब पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो भी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो इसीलिए फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सारी वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए जिससे कि अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाए। क्योंकि पहले की चीज़ों को अगर आप अच्छे से नहीं समझे रहोगे तो आगे की चीज़ें भी समझ में बहुत ही कम आने वाली हैं, आएंगी बट उतना अच्छे समझ में नहीं आएंगी। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है फॉर्म्स। ये वही फॉर्म है जिसके बारे में आपने पहले से सुन रखा है। आपने देखा होगा कि लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए उस कंपनी का फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें वो अपना डेटा एंटर करते हैं और कंपनी के पास सेंड करते हैं और बाद में उनका एग्जाम होता है। उसी तरीके का फॉर्म हम यहाँ पर DBMS के अंदर बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि फॉर्म होता क्या है। अ फॉर्म इज अ फीचर ऑफ डेटाबेस यूजिंग विच वी कैन एंटर डेटा इन अ टेबल इन एन ईजी एंड यूजर फ्रेंडली मैनर। कहने का मतलब है कि फॉर्म डेटाबेस का एक फीचर होता है जिसका यूज डेटा को टेबल के अंदर यूजर फ्रेंडली मैनर में एंटर करने के लिए किया जाता है। सिंपल तौर पे कहे तो देखो टेबल के अंदर हमें एंटर करना होता है डेटा। अब उसके अंदर डेटा एंटर करने के लिए सबसे जो यूजर फ्रेंडली मैनर है वो होता है फॉर्म, और ये फॉर्म डेटाबेस का ही एक फीचर होता है। फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस ETC दैट गिव अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग डेटा। द डेटा एंटर्ड थ्रू द फॉर्म्स इज स्टोर्ड इन टेबल्स। देखिए जो फॉर्म होता है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, रेडियो बटन्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सब मिला करके एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया जाता है जिससे कि ईजिली डेटा को एंटर किया जा सके। और जो भी डेटा फॉर्म के थ्रू एंटर किया जाएगा वो जाके स्टोर हो जाएगा टेबल में। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्वेरी। अ क्वेरी इज यूज टू रिट्राइव द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। इन सिंपल टर्म इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डेटाबेस। तो सबसे पहले तो जैसे कि फॉर्म, टेबल ये सब डेटाबेस की एक फीचर है, वैसे क्वेरी भी एक डेटाबेस का फीचर ही है जिसका यूज डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कि हमें दिखाई दे उसको रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। सिंपल तौर पे कहे तो देखो डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, लेकिन अगर आपको उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंग डेटाबेस आपको वो डेटा डिस्प्ले करता है। जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वही क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू व्यू द नेम्स ऑफ ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स देन वी पोस्ट अ क्वेरी द डेटा सेट मैचिंग द गिवन क्राइटेरिया इज रिट्राइव फ्रॉम द टेबल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन।
इसको और अच्छे समझने के लिए अगर एक एग्जांपल लें तो मान लो कि हमें केवल उन बच्चों का डेटा चाहिए जिन्होंने 50 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है, तो हमें एक क्वेरी पोस्ट करनी होगी, मीन्स ये क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब जो क्वेरी हम लिखेंगे उसमें हमने क्राइटेरिया दिया है कि जो मार्क्स है बच्चों के वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, केवल उन्हीं बच्चे को नाम डिस्प्ले होना चाहिए। तो टेबल के अंदर उन डेटा सेट्स को मैच किया जाएगा और केवल वही डेटा सेट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट पर जिसका नाम है रिपोर्ट। द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी मे बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, मीन्स कि जब आप क्वेरी करेंगे तो जो क्वेरी का आउटपुट होगा उसको हम चाहें तो रिपोर्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। द यूजुअल रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट इफ यू वॉन्ट द रिपोर्ट टू बी फॉर्मल एंड इन प्रॉपर लेआउट देन वी कैन यूज द रिपोर्ट फीचर इन RDBMS। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि फॉर्म क्वेरी टेबल को आपने देखा कि ये एक डेटाबेस के फीचर है, वैसे रिपोर्ट भी एक डेटाबेस का फीचर है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम जो क्वेरी का आउटपुट होगा उसको रिपोर्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। मीन्स कि समझो इसको, जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो जो यूजुअल रिजल्ट होता है वो हमें रो और कॉलम के फॉर्म में दिखता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा क्वेरी का आउटपुट है वो एक प्रॉपर फॉर्मल मैनर में हो और उसका प्रॉपर लेआउट हो, तब हम रिपोर्ट फीचर का यूज़ करके RDBMS के अंदर एक प्रॉपर मैनर में आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बस आई थिंक कि अब आगे इसमें कुछ है नहीं। आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ RDBMS समझ में आया कि नहीं आया ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो चैप्टर 8 की लास्ट वीडियो थी, तो इसके बाद अब हम चैप्टर 8 का जो क्विक रिकैप वाला वीडियो है उसको लेकर के आएंगे। तो अगर आपने बाकी वीडियोस को मिस कर दिया है या फिर अगर आप चाहते हो कि आप एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ जाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वो वीडियो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट उस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप डोंट वरी, वीडियो आएगी ज़रूर। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।